आज हम आपको हिंदी व्याकरण से संबंधित लिंग के बारे में बताएंगे कि लिंग क्या होता है और लिंग किसको कहते हैं। तो संज्ञा शब्द के आपको पहले संज्ञा के बारे में बताए हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो इसमें दिया है कि संज्ञा शब्द के जिस रूप से पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता है उसे हम लिंग कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए राम है, तो राम आपका पुरुष हो गया और सीता यानी सीता लड़की हो गई, तो ये राम आपका हो गया पुल्लिंग और सीता हो गई स्त्रीलिंग। तो संज्ञा शब्द के जिस रूप से पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। ऐसे आप लोग उसको बता दिए कि सीता और राम, ये इसमें राम हो गए आपका पुल्लिंग और सीता हो गई स्त्रीलिंग। तो इसमें लिंग दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन? पहला हो जाएगा आपका पुल्लिंग, और दूसरा हो जाएगा आपका स्त्रीलिंग। अब इसमें देखना है कि पुल्लिंग किसे कहते हैं और स्त्रीलिंग किसे कहते हैं। तो जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। जैसे राम हो गया, श्याम हो गया, मोहन हो गया, उसके बाद स्त्रीलिंग। जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है, जैसे कि सीता, मीरा, गीता, ये सब क्या है? अतो स्त्रीलिंग है। तो ये दोनों मिला करके आप समझ गए कि लिंग किसे कहते हैं, किसको कहा जाता है। अब इसके माध्यम से आपसे अगर पूछा जाए कि पिता क्या है तो आप उसको क्या बताइएगा? पिता आपको क्या होगा, क्या होंगे? आप तो ये आपका पुल्लिंग में आ जाएगा। अगर पूछे कि मीरा क्या है, तो मीरा क्या, तो लड़की है, तो ये आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे शब्दों को आपके सामने अगर रखा जाए तो आप भली भांति उसको बता देंगे कि ये आपका स्त्रीलिंग है और ये आपका पुल्लिंग है। अब आपको इस लिंग को पढ़ाने के बाद मैं आपको कुछ शब्दों को दे रहा हूँ बनाने के लिए, और उसमें से आपको अलग करना है कि इसमें स्त्रीलिंग कौन है और पुल्लिंग कौन है। इसमें आपको होमवर्क दे रहा है। इसमें जैसा कि शादी क्या है, तो शादी, उसके बाद कलम, कलम, कुर्सी, चाबी, पाकिस्तान, पाकिस्तान आपका हो गया, उसके बाद जापान, चीन, कोलकाता, गंगा, लीची, छाता, पहाड़ी, ये आपके लिंग। अब इसमें आपको देखना है
कि इसमें स्त्रीलिंग कौन है और पुल्लिंग करना कौन है, इसको दोनों को अलग अलग करके और पुल्लिंग के सामने पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के सामने स्त्रीलिंग को लिख करके तब इसको देखना है। तब तक इसके बाद हम अगले नेक्स्ट दिन आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।